जी डॉक्टर साहब, दादी को ज्यादा खांसी हो रही। क्या दादी को खांसी हो रही? हाँ जी, कुछ ज्यादा हो रही, रात को सोने भी नहीं दे रही। तो भाई ज्यादा खांसी हो रही तो एक काम कर, जल्दी तक दादी को ना 2 चम्मच डालटा घी के पिला दे, और फिर ऊपर तक फ्रिज का ठंडा पानी पिला दिए। फिर देख, खांसी की तो दूर की बात, अगर सांस लेने की भी आवाज आ जा तो आगे मुंह पर मूंद दिए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, कौन? अजी मरीज हूँ डॉक्टर साहब। अच्छी बात है, क्या होएगा? डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पूरी बॉडी का बॉडी चेकअप कराना है। बहुत अच्छी बात है, कपड़े उतारो। अच्छा जी। अरे डॉक्टर साहब, या कैसी बात कर रहे हैं तुम? ओके, काम तो तेरे एकदम ठीक है। इबे एक काम कर, और सामने खिड़की देख रहा ना, उसमें को बाहर कूद जा। अरे डॉक्टर साहब, खिड़की तक कूदने से मर जाऊंगा मैं, मैंने कूदता। ओके, दिमाग भी एकदम ठीक है। ये पकड़ 100 रुपए। अरे एक काम कर, बाहर से जाकर दुकान पर 100 रुपए के 20 समोसे ला मेरे लिए। अरे डॉक्टर साहब, ये तो 10 का नोट है, 10 के थोड़े 20 समोसे आ जागे। ओके, आप भी बिल्कुल ठीक है भाई तेरी तो। अच्छा नु बता, क्लिनिक में ऊपर किस तरह आया? सीढ़ियों पर चढ़ गया। ओके, पैर भी बिल्कुल ठीक है भाई तेरे तो। अच्छा विनु बता, क्लिनिक का दरवाजा किस तरह खोला? अजी हाथ तो खोला। ओके भाई, तेरे तो हाथ भी एकदम ठीक है, और तेरी पूरी बॉडी का चेकअप होएगा, तू एकदम चुस्त तंदुरुस्त है भाई। तुझे किस पागल ने भेजे यहाँ चेकअप करवाने? भाई तू तो बिल्कुल सही है, तंदुरुस्त है। अरे पकड़ अपनी मेडिकल रिपोर्ट ही भेजा। अरे डॉक्टर साहब, आपका तो चेकअप करने का तरीका एकदम नवा भाई। फिर मत ऐसा ही चेकअप हो, चलिए जा। अजी कहाँ रह गए डॉक्टर? क्या पता कहाँ रह गए। अजी डॉक्टर साहब कहाँ चले गए थे? बहुत देर रह गई, वहाँ बैठो बैठो। तो मतलब मैं हगन मुत्तन भी ना जाऊँ, पूरा दिन इस कुर्सी पर ही बैठा रहूँ, हर ये बैठ कर ही लिंडे से काट हो जाऊँ है? बड़ा ही बदतमीज डॉक्टर है, तमीज नहीं आएगी बात करने की। फालतू की जबान न चला, नहीं तो भैंस वाला इंजेक्शन रखा ऐसा ठोकू में घर तक की ठुमके मारती जाएगी, हर गांव वाले भी नु कहेंगे बन्ने ने ठुमको में सपना चौधरी को फैल कर दी। मैं बैठा हूं, मुझे बात करने दे, इसे जबान को बंद कर ले, कहां टाइम कैंची की तरह चलाओ जा। अजी यह मेरी लोगनी। हाँ तो मैं क्या अपनी बता रहा इसे, हर तुझे दिक्कत ना तेरी लोगनी, इसका इलाज नहीं है मेरे को भाई। अरे महाराज पूरी बात तो सुन लो, इसे दिक्कत हो रही। क्या दिक्कत है? अजी पेट में दर्द हो रहा, उल्टी भी हो रही, अजी अजीब सा हो रहा। रात क्या खाया था? चाट, मोमोज, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, टिक्की और 2 समोसे। थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के ना उस ठेली वाले को भी खा जाती। चल अंदर, चेक करूंगा तुझे। खुशखबरी है भाई, तू बाप बनने वाला। ऐसे कैसे, तुमने तो कुछ चेक ही नहीं करा। अरे जब तू ही बता रही उल्टी हो रही, पेट में दर्द है, जी समझ ला रहा फिर। अरे डॉक्टर साहब सही तो चेक तो कर लेते। अरे यार मैं बोल रहा ना। अजी तुमने तो पहले भी नहीं कह दिया था, और बाद में पता लगा गैस बन रही पेट में। तो फिर तो गैस ही बन रही होगी, तू एक काम कर, या पकड़ गैस की गोली, अरे से गैस की गोली खवा दिए। चलो जी चलो, इसका तो डॉक्टर का दिमाग खराब है। मगर चली जा चुपचाप, नहीं तो ऐसी गोली देंगे सारे गांव में पाती फिरेगी। अरे डॉक्टर साहब कहाँ तुम, कितनी देर से फोन कर रखा था रे? बहुत सारे, कितनी जल्दी आऊँ, मोटरसाइकिल का इंजन रखवा लूंगा पिछवाड़े पर। तो मेरे बाप जल्दी चल ले भी जा। चल बा, क्या होएगा तेरी दादी को? डॉक्टर तू है या मैं, खुद देख ले। अरे दिमाग की नस, तू रहने दे। अरे अम्मा क्या होएगा? अरे भाई क्या बताऊं, मेरे एक दिक्कत थोड़ी है, बहुत सारी दिक्कत है मेरे तो। भाई नोड़ दोगा तो भाई ढेर ही बुरा हाल है, बता ले मरने पड़ी, हर जबान जुरी पूरी कर रही, फिर भी साफ साफ बता दे क्या दिक्कत है। अरे भाई मैं तो दम सा घुट रहा। दम सा घुट रहा? तो भाई टीटी जल्दी से जाकर टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरे मिर्च, मसालों का जुगाड़ कर ले। क्यों? देसी इलाज करोगे क्या डॉक्टर साहब?
अरे इलाज नहीं, वो तो मैं पहले ही बिरयानी का इंतजाम करवा रहा। अरे मुंडी टूटते बिल्कुल ही मुझे मारने पे लगा पड़ा। बस क्या होगा इन औरतों का, ये भी तो बोल रही थी मैं मरने वाली, ये पलट गई। अरे अम्मा जी तेरा दम घुट रहा समझो तू मरने वाली, क्यों दो चार खुराक खा करके पैसों का नुकसान करे। अरे सुअर डॉक्टर को बाहर निकाल, नहीं तो ये मुंडी टूटा मुझे यहीं दफना के सांस लेगा। मैं झोला छाप नहीं कट यहाँ पे। अरे बेइज्जती कर रहा, आइए तू दवाई लेन, दस्तों की दवाई देगा। हर डॉक्टर तो डॉक्टर फोन लगा बिंटा भी लगा लिए, जिब भी दस्त नहीं रुकने के। और ठीक? हाँ जी सब ठीक है। सब ठीक है तो साले यहाँ क्या धनिया लेने आया, चल खटा हो यहाँ। अजी मेरा मतलब है बाकी तो सब ठीक है, मुझे दिक्कत हो रही। हाँ बता क्या दिक्कत हो रही। अजी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा। अच्छा क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब? अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस टाइम पर दर्द हो ही पेट में। अजी दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत कुछ नहीं है, तू भी आने वाला। मतलब? मैं मेरा मतलब तू बाप बनने वाला, बाप। अरे मैं बाप किकर बन सकूं? मेरी तो इबाल शादी भी नहीं हुई। तो साले यार बात तो तुझे ऐसा काम करने तो पहले सोचनी चाहिए थी। और तुझे जिब नहीं शर्म आई, जिब तूने जो काम करा, जिब ने तुझे अपने माँ बाप की जिद का ख्याल आया। अरे डॉक्टर साहब कुछ बौले हो गए खत्म, लड़के कत्ते बच्चे पैदा करने लगे। तेरे बोलने का मतलब मैं झूठ बोल रहा साले, कबर बिज्जू से डॉक्टर तू है या मैं हूँ? लेकिन यो कैसे हो सके? ऐसे हो जा बेटे, अजीब होगा पता चल जाएगा। ओ जा रहा कहाँ, चेक करने की फीस तेरा बाप देगा। क्या हाल है डॉक्टर साहब? पर रिश्तेदारी बाद में काटिए, पहले नु बता दिक्कत क्या है। ये डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत में, वो तो दुआ करूं ऊपर वाला दुश्मन को भी ऐसी बीमारी न दे। साले मेरी दुकान में बैठकर मुझे ही बद्दुआ दे रहा, अगर कोई बीमार ना हो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अजी मेरा मतलब वो नहीं था। क्या दिक्कत है मतलब इंसान? अजी सिर में दर्द रहा बहुत। साथी सुधा या रंडवाई घूम रहा? अजी साथी सुधा हूँ। तो ले दवाई, सुबह शाम गर्म पानी देनी अपनी लोगनी को। लोगनी को क्यों, दर्द तो मेरे सिर में है। अरे लोगनी की वजह से ही तो, तू एक दिन खुआ कर देख, अगर दोबारा सिर में दर्द होएगा फिर बताइए तू मुझे। अच्छा जी चलो बिगड़ के देखता हूँ। हाँ ले पकड़। और जी डॉक्टर साहब बैठो। अजी क्या है, तुमने आज फेरी से डॉक्टर को बुला लिया तो मैं और कोई डॉक्टर नहीं मिलता क्या? देख किक्कर टैटर जवान चला रही, चुप हो जा नहीं तो ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा, हगड़ना मूदना सब बंद हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब बुरा ना मानो, कुछ दिक्कत है इसलिए तो मैं बुलाया। हाँ तो दिक्कत होगी जी भी बुलाओगे मुझे, और का हलवाई हूँ मैं। देख कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। ये उल्टी सीधी बात कर रहा ना, जी भी वीडियो चल रही, नहीं तो जो थो बड़े मेकअप पोत रखा ना तूने, इसके भी लाले पड़ जाते, कहाँ से लाऊं खरीद के। अजी डॉक्टर साहब 3 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, क्या करें? बस इतनी सी बात, इम आएगा, चले तू अंदर। मुंडी टूटे क्या बोल रहा? अरे मेरा मतलब तू अंदर जाएगा पानी लेकर। अच्छा चल जा तू पानी लेकर। देख तेरी दिक्कत तो दूर हो जाएगी, लेकिन थोड़े पैसे लगेंगे। कितने पैसे? 2-4। 2-4 हजार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 लाख। क्या बावला होगा क्या, 2-4 लाख देखे भी कभी? वो प्रधान तू चुप कर रहा है या मैं सुड्डू के मुंह में चप्पल। मेरी माँ चुप रहो, हम बात करने दे। लाए पानी भी आप पहले। या दवाई ले, हर रात को 9 बजे खानी। कैसे खानी हो? वही सदियों तो चला आ रहा सिस्टम, मुंह मुंह तो ही खानी। देखियो जी यो सुअर फिर उल्टी सीधी बातें कर रहा। अरे जी पता मुंह तो खानी, तो पूछ रही क्यों? अरे इसे खानी है मुझे खानी, दोनों को खानी। अच्छा और दूध तो खानी? बस बहाना चाहिए लोगों को तो माल चीरने का, दूध के साथ नहीं रबड़ी के साथ खानी, रबड़ी की। ए बावली औरत पानी के साथ खानी, पानी की। और प्रधान तुझे दूध के साथ खानी। और हाँ अपने लोग का ध्यान रखना, कोई भी वजन का काम नहीं करवाना इस पर, खाइए ना देख वजन, हर जिन्ने बोधना चढ़ना बंद तेरा आज तई। पर जी है क्या तू सुअर,
ये सब तो औरत को बोलते हैं जब वो पेट से होती है। अच्छा ऐसा है क्या? बात तो सही है, जब औरतों को बच्चा होने वाला हो उसे बोल ली जाए बात तो। यार मुझे लगा था मर्द पे हो बच्चा। तो सारा सच में ही फर्जी लाइए ना ठाक है। अजी डॉक्टर साहब तुम कहाँ फिर रहे? मैं थारे क्लिनिक पे गया था। अरे यार मैं जरा उसके प्रधाने घर तक गया था। अच्छा चलो फिर घर चलो। क्यों क्या होएगा? अजी जल्दी घर चलो, अब्बा को दिक्कत हो रही है। अच्छा जल्दी चल। अजी क्या होएगा? बस डॉक्टर साहब उम्र का तकाजा, बीमारी ही बीमारी है। अजी अगर बीमारी नहीं होने की हमारे बच्चे तो भीख मांगेंगे। अजी डॉक्टर साहब बस जल्दी तो अब्बा जी को ठीक कर दो। कौन सा तेरे अब्बा का फिल्टर खराब हो रहा? जब कार्ड का दूसरा गेट दूं हरी एकदम ठीक हो जाएगा। भाई पहले दिक्कत तो पता चले। अरे बाल तोड़ लिकट रहा, बहुत दिक्कत दे रहा। ओहो कोई बात नहीं, चीरा देना पड़ेगा, ठीक हो जाओगे। भाई अपने अब्बा कहीं होल्ड ले जाओ, इब्जा मनी करने का इलाज। अरे डॉक्टर साहब क्या होएगा, इबाज तैयार थे तुम? भाई छोटे रिचार्ज ने ठीक दिया, हरी इब्जा अगर मैंने चीरा लगाया तो बुढ़ा तो गया। भाई मैंने अपने सिर इल्जाम लेता, इसको उबे को पकड़ो, इनने मारा तेरे अब्बा को। अरे मैं तो जिंदा अभी, अगर तुमने कुछ नहीं करा तो मेरा कुछ नहीं पता। तो बुड्ढे तेरे मरने का इल्जाम मैं अपने सिर क्यों लूं? इनने छिक्का ऐसा पकड़, मैं तो चला। अजी डॉक्टर साहब, अजी। हाँ भाई। अजी डॉक्टर साहब मुझे ना 2 साल पहले बुखार आया था। तो अब क्या? तुमने ना नहाने तो मना किया था, तो आज तुम मुझे दिख गए, इसलिए मैं इन तो पूछ लूं इबन हाल हूँ क्या? कमीज तेरी काली, पाओ पाओ पाओ, छोटा लोटा बड़ा लोटा। मैं कैसे कैसे आदमी फेमस हो रहे हैं यार। अजी डॉक्टर साहब मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ। हाँ तो भाई परेशानी में हो जी भी आओ हमारे दौरे, दावत दोस्त तो करने नहीं आता हमारी कोई, बता क्या दिक्कत है? अजी डॉक्टर साहब मुझे ना रात को सपने में गधे और घोड़े फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे। अरे नहीं तकड़ी दिक्कत है भाई, तू एक काम कर। क्या दवाई ले? हर रात को पड़ते टाइम ले लिए। अजी डॉक्टर साहब ये दवाई आज की बजाय कल खा लूं? कल को? आज क्यों नहीं? अजी आज उनका फाइनल मैच है, लग ला रहे फाइनल मैच भी देख लूं। मजा चला जा साले जा। नाच गए सुअर कुत्ते कमीने चाहे। अरे सांस तो ले ले, क्यों 10 वाली रेल बन रही? हराम खोर तुझे डॉक्टर किसने बनाया? तेरी दवाई के चक्कर में मेरे हर का नाश हो गया। क्या बात, गलती तो चूहे मारने की दवाई तुम दे दी मैंने। वो दे देता तो अच्छा होता, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। वो साले कुत्ते सुअर हरामी। क्या बात, गाँव में कोई गाली सिखाने वाला स्कूल बन गया, जो भी आ रहा वही बिना सांस लियो गाली पिया रहा। गाली नहीं, जैसी तेरी हरकत आ ना तो खड़वा परिणाम मांग रहा। साले चला जा प्रभु, नहीं तो अगर 1-2 पेट में रख दिए ना पता नहीं लगेगा ना कद को पेट की हड्डी टूट गई। लो जी कर लो बात, सुअर डॉक्टर को नहीं पता पेट में हड्डी होगा या नहीं। ओ साले सुअर कुत्ता जलील कमीना, यही तो बोल लगा तू। हाँ लेकिन तुझे की कर पता? साले सुअर तो यही तो सब सुन रहा। क्या बताया था? क्या होएगा भाई? अरे मेरी दादी को खांसी हो रही थी, इन्हें कहा डालता घी खिलाता और ठंडा पानी पिलाता, मैंने ऐसा करा 3 मिनट भी नहीं लगी दादी को निकटना में मर गई वह। तूने बोल रहा था अपनी खांसी हो रही सोने बिन दे रही, फिर मैंने दवाई बता दी, मगर अगर सांस भी आ जाए मोदी आ गए ऐसी दवाई है। हमें भी ऐसी दवाई दी, सारा काम खराब कर दिया इस कुत्ते ने। मैं तो ऐसा डॉक्टर हूँ, 1 मिनट में जड़ता बीमारी खत्म। एक बात बता तू मुझे, क्या ऐसी कोई दवाई है का जिसे खाकर इंसान नगता ही फिर? अच्छा ले फिर, ये ऐसी दवाई है अगर 1 गोली भी खुआ दी ना तो खाना पीना सारा लेटरीन में ही होगा। अगर 5-4 खिला दी फिर तो सुहाग रात के साथ साथ ना बच्चे भी लेटरीन में ही पैदा होंगे। वैसे इतनी दुश्मनी किस तरह, किसे खिलाओगे या तुझे? पकड़ो साले को इसे।